तो आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है नोनी कैप्सूल्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ऑलरेडी नोनी जूस है हमारा, लेकिन ये कैप्सूल्स क्यों है तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपका सेशन स्टार्ट करूंगी। ओके, सो नोनी का हम जैसे शुरू करते हैं, मेरे जिन्होंने पहले भी सेशन जिन्होंने अटेंड किया उनको पता होगा कि मैं कभी भी जो भी प्रोडक्ट लेती हूँ उसकी हिस्ट्री पहले बताती हूँ, क्योंकि मुझे ये लोगों की तरफ पहुंचना चाहिए कि जो हम ले रहे हैं वो हिस्ट्री से उसका उपयोग कैसे होता आ रहा है, उसके बेनिफिट्स कैसे होते आ रहे हैं, वो अगर आपको पता चलते हैं तो ज्यादा लोग पूरा जानकारी जो है रिगार्डिंग उसके प्रॉपर्टीज, रिगार्डिंग उसकी हिस्ट्री, पूरी जानकारी आपकी तरफ आनी चाहिए। इसलिए मैं हर एक प्रोडक्ट का हिस्ट्री से लेके या फिर हमारे आयुर्वेद में उसका क्या क्या संदर्भ है उसके रिलेटेड ही स्टार्ट करती हूँ। तो हिस्ट्री में जैसे आपने पहले सुना ही होगा कि पॉलिनेशियंस में 2000 साल से पहले भी वो एक नोनी फोक रेमेडीज की तरह यूज करते थे, जैसे जो भी उनका डाइजेशन रिलेटेड रेमेडीज हो या फिर स्किन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हो, स्किन इन्फ्लेमेशन, फीवर, टाइफाइड, ऐसी जैसी भी बीमारियां थी उनके रिलेटेड वो ये यूज करते थे। और मेनली जनरल वीकनेस जो शरीर में रहती है, एनर्जी की कमी रहती है, उसके लिए ये यूज करते थे। तो ये हिस्ट्री 2000 साल पहले की भी है और आयुर्वेद में इसका वर्णन किया है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी, तो आयुर्वेद का भी ये वर्णन आता है। साथ ही में जो ब्रिटिश नेवी के कैप्टन थे उन्होंने भी इसका वर्णन किया है कि ये फ्रूट एक फूड की तौर पे, मतलब खाने की तौर पे ये तहितियंस यूज करते थे। और लंदन के 1866 के पब्लिकेशन में भी ये बताया गया है कि फिजी आइलैंड में ये एज अ फूड कंज्यूम होता था। ओके, और लेटर ये पब्लिकेशन और इसके रिसर्च आज तक देखा जाए तो लाइक 35,000 to 40,000 तक आपको, उससे भी ज्यादा आपको रिसर्च पेपर्स इसके मिलेंगे। तो ये एज अ फूड पहले से इस्तेमाल होता था और एज अ फोक रेमेडीज, जैसे हम घरेलू उपचार जैसे कहते हैं ना, उसके रेमेडीज में ये उपचार ये पहले से ही इस्तेमाल होता आ रहा है। अभी ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया पैसिफिक आइलैंड में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, उसमें जैसे ये फैलता गया। तो मैंने अभी ये आपको स्क्रीन पे दिखाया है, एक रिसर्च आर्टिकल है जो आपको दिख रहा होगा, आगे ऊपर उसका लिंक है। इसमें ये डॉक्टर राल्फ हेंकी है, उन्होंने नोनी का जो ज़ेनोनिम है उसके ऊपर उनका पूरा लाइफ, उन्होंने सिर्फ इसी के ऊपर रिसर्च किया है, ज़ेनोनिम के ऊपर। उनका ये कहना है कि प्रो ज़ेनोनिम एक प्रीकर्सर है ज़ेनोनिम के लिए, और ज़ेनोनिम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स का मेटाबोलिज्म ठीक करने के लिए ज़ेनोनिम बहुत ही अच्छा काम करता है। उनको अवार्ड भी मिला था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री इन 1998। तो इन्होंने नोनी फ्रूट के ऊपर बहुत ही अच्छा रिसर्च किया हुआ है। फिर डॉक्टर नील सोलोमन जो है यूएसए के, ओके, तो उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया है। उन्होंने कहा है कैंसर, अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक पेन, इनमें नोनी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये जो रिसर्चर्स है, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने जो जो बात कही है वो एक्चुअल में है, क्योंकि इसके जो सप्लीमेंट में अगर इंक्लूड कर दिया जाए हमने नोनी को तो ये बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। और लास्ट का इमेज आप देख ही पा रहे हो, हम सब इनको पहचानते हैं, हमारे फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने भी नोनी का, उनके वीडियोज भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे है, तो उन्होंने भी ये कहा था कि नोनी में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है नोनी। तो आपको सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में तैयार हो रहे हैं उसके साथ ये फाइट करता है, वो हमारे फ्री रेडिकल्स शरीर में सैचुरेट नहीं होने देता। तो ये जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया है ये आपके रेफरेंस के लिए है। ऐसे कंजम्पशन के बाद तो नोनी का हमें इफेक्ट्स पता ही चलते हैं। तो नोनी के इफेक्ट्स मेन न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन में है। न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन इसलिए क्योंकि ज़ेनोनिम जो है शरीर में तैयार तभी होता है, उसको प्रो ज़ेनोनिम अच्छे से मिल जाता है तभी ये शरीर में तैयार होता है, और उसकी वजह से न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन होता है। बहुत लोगों को माल न्यूट्रिशन होता है, लाइक वो डाइट अच्छे से करते हैं फिर भी नरिशमेंट उनके बॉडी का अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे लोगों को स्टमक डिस्कम्फर्ट रहता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, राइट, गैसेस होते हैं, ब्लोटिंग होता है, इनडाइजेशन होता है, तो इन कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करता है।
मेनली उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूंट है ना वो एंथ्रेक्विनोन नाम है उसका, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं उसका कन्वर्जन जो है न्यूट्रिशन पे होना बहुत जरूरी है, तो नूनी इसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ऑलरेडी बताया कि एंटीऑक्सीडेंट रिच है नोनी, विटामिन सी है तो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, पावरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी की भी वो बहुत स्ट्रांग करता है। इसके वजह से कैंसर प्रिवेंशन में, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, कैंसर के हमें ये नहीं पता चलता कि कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, फिर भी जब भी टेस्ट करते हैं या फिर फीवर आने लगता है बार बार, तब पता चलता है कि कैंसर के पेशेंट, मतलब कैंसर उनको इतने दिन से था, राइट? तो ऐसा होता है, तो प्रिवेंशन के लिए हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर उनकी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही है, उनसे उनको बाहर निकलना है, तो उनको भी आप नोनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्यूमर जो प्रॉपर्टीज है नोनी की ये बहुत अच्छा काम करती है। ओवरऑल बॉडी के सेल्स, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सेल्स ही हमारे शरीर के अंदर सब रचनाओं में, बॉडी की छोटी छोटी कोशिकाएं है, सेल्स हैं, सेल्स के अंदर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो नोनी जो काम करता है सेल्युलर लेवल पे काम करता है, सेल्स हर एक सेल्स के बीच में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका न्यूक्लियस होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है, और उसके स्टिमुलेशन से हमारी शरीर की हर एक कोशिकाएं अच्छे से काम करती है, तो हर एक कोशिकाओं से ही हमारा शरीर पूरा बना हुआ है, इसके वजह से अगर उसका स्टिमुलेशन प्रॉपरली होता है तो अच्छी सेल ग्रोथ भी होती है। रिकंस्ट्रक्शन हमारे शरीर में सेल्स का रोज होता है, जैसे पुरानी सेल्स का डिजनरेशन हो जाता है और नई सेल्स तैयार होती है, एक ये हर एक के बॉडी में होता है और ये हर रोज होता है, तो नया रिकंस्ट्रक्शन होना ये काम हमारे नोनी बहुत अच्छे से हेल्प करता है उसमें। वेट मैनेजमेंट में नोनी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा कर देता है, इसके वजह से ये वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही ये लीवर का हेल्थ बहुत अच्छा रखता है, लीवर को हम ब्लड बैंक कह सकते हैं, लीवर और स्प्लीन ये दोनों ऑर्गन ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में जो पेशियां बनती है, WBCs है, RBCs है, प्लेटलेट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों का फंक्शन अच्छा रहना। और जब भी हम कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स या हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज शरीर के अंदर जो भी होती है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट लीवर पे हो जाता है, बहुत लोगों को ये शुरू होता है कंडीशन फैटी लीवर से और फिर धीरे धीरे जाके उनका लीवर का कंडीशन डिटोरिएट हो जाता है, तो हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज की प्रूवन है लीवर को डैमेज होने से ये बचाता है, तो जो ओबेसिटी के पेशेंट्स है या फिर डायबिटीज के पेशेंट्स है उनमें ज्यादा ये दिखाई देता है, या जिनको अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, तो ये डी एडिक्शन, अगर एडिक्शन है किसी को तो वो रोकने में, उसको कम करने में भी नोनी कैप्सूल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। ओके, और मेनली ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रख देता है नोनी ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका अच्छे से होने लगे, सेल्युलर लेवल पे काम हो रहा है तो ये सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होगा। बोन्स की हेल्थ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एनल्जेसिक कहा गया है, एनल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी, कहीं पे भी आपके दर्द है, कोई भी जगह पे ज्वाइंट पेन है, मसल पेन है, नी पेन है, कहीं पे भी दर्द है तो उसको एनल्जेसिक कहा गया, उसका दर्द आपका कम होता है। और सूजन शरीर में हो रहती है, कभी भी घुटनों में सूजन रहती है या शरीर में कहीं पे भी सूजन है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी ये काम करता है, बहुत अच्छे से इफेक्टिव काम करता है। ओरल हाइजीन ये कैसे मेंटेन करता है, अगर हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से सिक्रेट हो रहे हैं शरीर के अंदर और डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, तो हमारे पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो हमारे मुंह से लेकर एनल तक कंटिन्यूस प्रोसेसिंग में होता है, तो उसकी हेल्थ वो अच्छा मेंटेन करता है, इसकी वजह से ये पूरा ओरल हाइजीन भी मेंटेन करता है। ओके, ब्लड शुगर लेवल भी, इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है बहुत सारे लोगों को, इंसुलिन वो लेते हैं लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि इंसुलिन ले लेके वो सेंसिटिव हो जाती है, कुछ इंसुलिन का जो भी उनका डोज होता है उससे ज्यादा डोज उनको लेना पड़ता है, तो इन कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये लीवर का फंक्शन अच्छे से करता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करता है, तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी नॉर्मलाइज करता है। कैंसर सेल ग्रोथ में इसका रिसर्च प्रूवन है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा वर्क हुआ, मतलब हमने केसेस भी ऐसे देखे हैं और उसके रिसर्चेस भी बहुत अच्छे से हुए हैं। ओके, तो मैंने अभी ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया है, ये एक रिसर्च पब्लिकेशन से किया गया है, क्योंकि हमें इसके रिजल्ट दिखते हैं लेकिन ये हमें अगर प्रूवन रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो अभी रिसर्च पेपर्स हमें रेफर करने चाहिए।
तो इनमें इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कैसे काम करते हैं उसका ऑलरेडी प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में ये क्या क्या उनको कंसेप्ट या कंक्लूजन क्या क्या निकला है वो मैंने अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को रोकता है, मतलब जब भी आर्टरीज में आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आर्टरीज के अंदर तो वो इसको रोकता है। एंटी ट्यूमर है, ट्यूमर का सेल ग्रोथ जो है ये रोकेगा। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी पॉलीसैकेराइड से इसके अंदर इसके उसके वजह से सबको पता है कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीसैकेराइड्स। ओके, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एनर्जेसिक है, और जिनको एलर्जी होती है बार बार, डस्ट एलर्जी होती है, कोल्ड एलर्जी होती है, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि इस हिस्टामाइन इनहिबिटिंग कैरेक्टरिस्ट है इसका, तो एलर्जीज में हम यूज कर सकते हैं। और मेनली नर्व्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम है, इसलिए पार्किंसंस डिसीज होते हैं, अल्जाइमर्स डिसीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। हिपेटो प्रोटेक्टिव है, लीवर के लिए अच्छा है, और एंटी हाइपरलिपिडेमिक, मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा शिकायत रहती है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ रहता है, उनके कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या नाम आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि हमें विद प्रूफ ये हम आगे भी बता सकते हैं और हमें भी ये जानकारी होनी चाहिए कि नोनी कैसे काम करता है, राइट। इंफ्लामेशन में ये काम करेगा पूरा, जैसे कि मसल्स रिलेटेड कोई भी इंफ्लामेशन होता है, हार्ट में भी, जैसे कि हाइपरटेंशन में होता है, कार्डियोमेगाली होती है, उसमें भी इंफ्लामेशन में काम करता है। तो ज़ेरोनिन, जैसे मैंने आपको कहा था डॉक्टर राल्फ ने उनका उनके ऊपर रिसर्च किया है, तो एक प्रीकर्सर है प्रोज़ेरोनिन इसके अंदर, ज़ेरोनिन का। ये प्रोटीन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अगर प्रोटीन्स का वर्क कम हो जाता है तो बहुत सी बीमारियां आ जाती है, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ ही हो जाती है। ज़ेरोनिन की वजह से प्रोटीन का फंक्शनिंग ये अच्छा कर देता है। और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी इसका प्रूवन है, जो यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसका एंटी कैंसर एक्टिविटी, उसमें लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल था, और साथ में जो स्मोकर्स होते हैं ना, स्मोकर्स में लंग कैंसर की बहुत ज्यादा बीमारियां रहती है स्मोकर्स में, तो स्मोकर्स में भी ये रिसर्च पाया गया है कि उनका जो स्मोकिंग का कंडीशन होता है, अगर वो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं तो उनका जो प्रीवेलेंस होता है कि ज्यादा लंग कैंसर होने का, तो वो कम होता है। और डी एडिक्शन में भी, जो अभी क्रॉनिक स्मोकर्स लोग हैं तो उनको भी डी एडिक्शन में आप नोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यह डाइजेस्टिव सिस्टम का स्क्रीन अभी आपको दिखाया है, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये कैसा काम करता है। हम डाइट में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, राइट। तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये हमारा मेन डाइट कंटेंट है, राइट। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो होना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट से बनता है शुगर, राइट। प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और फैट से हमें मिलता है फैटी एसिड्स, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कन्वर्जन होने के लिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन हमें शुगर में करना है एनर्जी लेवल्स अच्छा रखने के लिए, या प्रोटीन का कन्वर्जन हमें अमाइनो एसिड्स में करना है, तो हमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत होती है। जैसे ये अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज आपको दिख रहे हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो नोनी हमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से सिक्रेट होने में हेल्प करता है। और नोनी का और एक बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है वुमेन्स हेल्थ में। वुमेन्स हेल्थ में नोनी, जैसे कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इश्यूज है, इसमें अगर हम नोनी का बहुत अच्छा, जैसे उनके मेंसेस भी इररेगुलर है, तो उनमें नोनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं मेरे पेशेंट्स में भी। और क्रॉनिक उनको जैसे इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन है, या फिर यूटीआई बार बार होता है, राइट, यूरिनरी इन्फेक्शन भी बार बार होते हैं, या फिर एंडोमेट्रोसिस होता है, यूट्रस में सूजन रहती है, या फिर इनफर्टिलिटी के केसेस में भी कुछ भी कंडीशंस होती है यूटेराइन रिलेटेड, तो वो भी बहुत अच्छे से क्योर नोनी से हो जाती है। तो ये नोनी कैप्सूल्स आपके साथ में क्यों लाए गए हैं, ये आपका सवाल है कि नोनी जूस हमारे पास पहले से था तो नोनी कैप्सूल्स क्यों है, तो मैं इसका आंसर अभी दूंगी आपके पास। ये हमारा नोनी कैप्सूल्स, ये जो उसके बेनिफिट्स है मैंने अभी आपको बता दिए। तो नोनी कैप्सूल एक पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का, वो तो है, लेकिन ये विटामिन से रिच है, विटामिन भी हमें इससे मिलते हैं, विटामिन सी है, पोटेशियम है, आयरन है, ये हमें मिलता है।
तो एक तो ये इजी टू यूज है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जूस भी वो लेते हैं, मतलब ये प्रिफरेबल है उनके कंडीशन के ऊपर, वो कौन सा प्रिफर करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप जूस भी प्रिफर कर सकते हो और नोनी कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये पोर्टेबल है, आप साथ में कैरी कर सकते हो। क्योंकि मैंने अभी देखा है बहुत पेशेंट्स जूस भी लेते थे, लेकिन अभी जैसे कैप्सूल आया उन्होंने कैप्सूल स्टार्ट किया, क्योंकि ये इजी है लेने के लिए, कन्वीनियंट होता है। क्योंकि प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आता है तो कन्वीनियंस ही देखी जाती है, कंज्यूमर का उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखी जाती है। तो एक कन्वीनियंट होता है लेने के लिए, और एक प्रिसाइज डोसेज में हम उसको ले सकते हैं। उसका डोसेज आप 3 to 6 कैप्सूल्स पर डे ले सकते हैं स्टार्टिंग में, और कैप्सूल्स का शेल्फ लाइफ भी, अगर कैप्सूल फॉर्म में आ रहा है तो उसका शेल्फ लाइफ भी बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। और नोनी का जैसे जूस है, आपने बताया कि पहले हमारी बात हुई थी, तो नोनी का जूस है वो भी बेनिफिट देता है, और नोनी का कैप्सूल भी उतना ही बेनिफिट देता है। लेकिन नोनी का ड्राइंग जो होता है, क्योंकि इन हाउस हमारा ये प्रोडक्शन होता है, आपने देखा है फ्रॉम कल्टीवेशन टू कैप्सूलिंग पूरा डीएक्सएन में ही होता है, तो ये फुल प्रोसेसिंग, जिसका उसका ड्राइंग प्रोसेसिंग भी और उसका एक्सट्रैक्ट निकालना, ये सारी चीजें भी इन हाउस हो जाती है, और वो एक मेंटेन टेम्परेचर पे होती है। तो इसके वजह से हम ये श्योरिटी दे सकते हैं कि नोनी में जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट जैसे प्रोजेरोनिन है वो उतना ही मिलेगा जितना आपको नोनी जूस में मिलेगा, राइट। तो नोनी का ये प्लांटेशन हमारा फैक्ट्री के प्लांटेशन के फोटोज है, आपने बहुत लोगों ने ये देखा होगा नोनी, और मैंने भी खुद, मेरा भी लास्ट वीक में मैं गई थी नोनी प्लांटेशन विजिट करने। नोनी का ड्राइंग मेथड मैंने देखा है, वो एकदम सिक्योरली मेंटेन टेम्परेचर पे ड्राई फ्रीजिंग मेथड से वो ड्राई होता है। इसकी वजह से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो से जूस के मिलते हैं, वैसे ही आपको कैप्सूल्स के मिलेंगे। कैप्सूल्स इसके लिए बनाया है क्योंकि ये कन्वीनियंट हो सके लोगों को लेने के लिए, राइट। और उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है उससे, इसकी वजह से ये कैप्सूल में बनाया गया है। तो फुल प्लांटेशन है, इन हाउस प्रोसेसिंग है, डायरेक्ट जो R&D डिपार्टमेंट होता है हमारा, जो लैबोरेटरीज होती है उसका प्रोसेसिंग होते हैं, उसमें उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज का भी टेस्ट होता है, एनालिसिस टेस्ट होता है, उसके बाद ही आपके पास वो बैचेस आती है, राइट। तो नोनी जूस है या फिर नोनी कैप्सूल्स है, दोनों दोनों आपके लिए सेम बेनिफिशियल है। आपके पास ऑप्शन है कि आप वो चूज कर सकते हैं, आपको कैसे कैसे लेना है, राइट। तो क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेसिंग हमारे अंडर ही होता है, राइट। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।